मेरे पास आज फोन है रियलमी का 8S 5G, जिसको आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। उससे पहले इसका देखते हैं प्राइस कितना दिया हुआ है। यहाँ पे जो प्राइस है वो 20,999 रुपीज़ है, पर हमको ये पड़ा है 60,500 रुपीज़ में। और ये कलर में है, ब्लू ब्लू कलर है इसका, और रियलमी का तो देख ही सकते हैं येलो कलर। चलिए अब इसका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मिल जाता है, एक शायद इसमें केस होगा, इसमें एक ही प्रीमियम क्वालिटी का केस है जो कि रियलमी के द्वारा मिलेगा। अभी इसको साइड में रखते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, इस सेफ्टी गाइड, और ये डिवाइस है। अभी इसको देखते हैं, रखते हैं साइड। और ये इसके साथ मिलता है 33 वाट का चार्जर, देखते हैं 11 वोल्ट 3 mAh 33 वाट का चार्जर है। इसको भी साइड में रखते हैं। और से मिलता है Type-A to Type-C केबल। चलिए सबको साइड में रखते हैं और देखते हैं डिवाइस को। देखने में तो प्रीमियम फील होता है एकदम। ब्लू कलर में हमने मंगाया है इसको, 128 GB स्टोरेज है इसका। जब तक हम इसको स्टार्ट करते हैं, तब तक आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको थोड़ा देर फॉरवर्ड करते हैं, इसके बाद स्टार्ट करके फिर दिखाते हैं। ये फ़ोन स्टार्ट हो गया है। अब इसको देखते हैं स्पेसिफिकेशन इस अंदर की। चलिए बात करते हैं अब इसमें स्पेसिफिकेशन के बारे में। बात करते हैं इसके रैम और स्टोरेज के बारे में। तो ये आता है 6 GB RAM एंड 8 GB RAM विथ 128 GB स्टोरेज। दोनों के साथ ही आपको 128 GB का ये स्टोरेज मिलेगा। बात करते हैं अब इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 दिया हुआ है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है और एक मिड रेंज फ़ोन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो इसमें 5000 mAh का बैटरी दिया हुआ, जो कि 33 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो कि चार्ज करने में पूरा टोटल समय 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लग जाता है। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो कैमरा में इसमें रियल में मिलता है 64 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP का कैमरा, और फ्रंट में मिलता है 60 MP का कैमरा। ये जो यहाँ पर फोटो दिखाया जा रहा है, ये है रियलमी 8S 5G का रियल कैमरे से, जो कि आप देख सकते हैं इसको। क्लियरिटी ठीक ठाक ही है इसका, और ये फोटो इसका नॉर्मल सेल्फी से खींचा हुआ है। बात करें इसके डिस्प्ले, तो जो डिस्प्ले फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 90Hz रिफ्रेश रेट है, और यह एक IPS डिस्प्ले है। चलिए इसमें देखते हैं वीडियो क्वालिटी। चलिए देखते हैं इसके वीडियो क्वालिटी के बारे में। कलर्स ठीक है, लेकिन इस प्राइस रेंज में सुपर एमोलेड मिलता तो थोड़ा और बेटर हो सकता था डिस्प्ले। फुल HD के कारण उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा, मतलब IPS के रेंज से देखा तो बहुत ही अच्छा दिखा रहा है डिस्प्ले। कलर साफ आप देख ही सकते हैं। ये जो अभी वीडियो चल रहा है, ये रियलमी 8S 5G के रियल कैमरा से चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी कैसा है। और भी इसमें मैक्स वीडियो जो आप ले सकते हैं वो 1080p 30fps पर ले सकते हैं। और देख सकते हैं आप कैमरे का और ऐसा माइक का क्वालिटी। और अभी ये है इसके फ्रंट कैमरा से वीडियो, इसमें भी आप 1080p तक का वीडियो ले सकते हैं फुल HD, जो कि 30fps रहेगा। अच्छा ही लग रहा है। बात करते हैं अब इसका सिक्योरिटी का। तो इसमें लॉक में दिया हुआ है फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और पैटर्न पिन, जो सभी फ़ोन में दिया हुआ था। चलिए टेस्ट करते हैं इसका फिंगरप्रिंट कितना फास्ट। चलिए अब बात करते हैं इसमें सिक्योरिटी के लिए। तो इसमें दिया हुआ सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट लॉक है, फेस अनलॉक है, और पैटर्न पिन वगैरह तो सब में रहता ही है। तो चलिए इसका चेक करते हैं फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट। हेड फिंगरप्रिंट ऐड कर लेते हैं एक टिपिकल। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है इसका,
सारी माउंटेड फिंगरप्रिंट है और यहाँ तो कवर कर ले रहा है फास्ट। इसके बाद चेक करते हैं इसको, फेस अनलॉक भी डाल लेते हैं इसमें। फेस अनलॉक तो बहुत ही जल्दी दे देता हूँ, फास्ट शायद ही कोई फ़ोन में मिला होगा हमको। चलिए जांच करते हैं यहाँ पे। फिंगरप्रिंट तो इसका बहुत फास्ट है, हमें पता भी नहीं चला अनलॉक भी हो जा रहा है। इसे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जैसे ही फिंगर रखें अनलॉक हो गया। एक बार और देख सकते हैं, जैसे ही फिंगर रखें अनलॉक हो गया। फेस अनलॉक देख लेते हैं, फेस अनलॉक भी बहुत फास्ट है इसका, पता भी नहीं चला हमें अनलॉक हो जा रहा। इसका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट है। बात करें इसका डिज़ाइन के, तो इसका हाइट है 162 mm का, विथ है 74 mm का, थिकनेस है 8.8 mm का, वेट है इसका 191 ग्राम से। और देखने में एक बहुत अच्छा फ़ोन लगता है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, कलर मेंटेन भी बहुत अच्छा किया गया है। बिल्ड मटेरियल है इसमें बैक में है जो प्लास्टिक है, और ये आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे, जो कि इसका प्राइस दिखा रहा है फ्लिपकार्ट पे 70999 रुपये पर। यह पे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे 2500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि इफेक्टिव प्राइस आएगा 15500 रुपीज़।